हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी गुजिया। ये खोए की गुजिया मैं बनाने जा रही हूँ, बहुत ही यमी और टेस्टी। तो चलिए आप रेसिपी देख लीजिए किस तरह से बन रही है। सबसे पहले आटा मैदा लेकर छान ली हूँ 1 कप। इसे अच्छे से छान लूँगी मैदा को। इसमें हम 4 टीस्पून तेल डालूँगी। ये नमक थोड़ा सा अपने हिसाब से, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसे पानी डालकर थोड़ा थोड़ा इसे डो बना लेना है, सॉफ्ट डो बना लेना है। रोटी की जैसे इसे डो बना ले, थोड़ा थोड़ा पानी डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। ये अच्छे से हो गया। 1 चम्मच अभी डाल रही हूँ, 3 चम्मच पहले डाली थी, 1 चम्मच अभी डाल के इसे मिला लूँगी और मिला के अच्छे से सॉफ्ट डो में बना ली हूँ। और इसे ढक कर 10 से 15 मिनट रेस्ट में रख दूँगी। ये मैं दूध का खोआ बना रही हूँ। दूध सबसे पहले 1 चम्मच विनेगर डाल रही हूँ दूध को, ये का फाड़ने के लिए, खोआ बनाने के लिए। ये दूध अच्छे से बॉयल आने के बाद ये दूध ये हो गया, पानी अलग हो गया, दूध खोआ अलग हो गया। इसे छन्नी में छान लेना है। छानने के बाद इसे पानी डाल के इसे धो लेंगे, जो विनेगर था उसका स्मेल निकल जाएगा, उसका स्वाद। इसे दबा दबा के अच्छे से पानी निचोड़ लें। अच्छे से पानी निचोड़ने के बाद प्याला में डाल लें और इसमें कुछ ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ। ये छोटी इलायची का पाउडर है, ये ग्रेस किया हुआ नारियल है। नारियल को अच्छे से ग्रेट कर ली हूँ, जो सूखा नारियल आता है उसी को मैं घिस ली हूँ। और उसके बाद ये ड्राई फ्रूट है, काजू है, बादाम, किशमिश, ये मैं डाल रही हूँ। इसे अच्छे से मसल के मिक्स कर लेना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। और ये पीसी हुई 2 चम्मच चीनी डाल रही हूँ, हल्का अंदर से मीठा के लिए। इसे भी मैं डालकर मिला लूँगी अच्छे से। ये हो गया रेडी। इसे ढककर साइड रख दे रही हूँ, चाशनी बना रही हूँ गुजिया के लिए। चाशनी में 1 कप चीनी, पानी 1 गिलास ली हूँ। ये 250 ml चीनी है, 250 ग्राम चीनी डाल रही हूँ। इसे अच्छे से खौलाने के बाद ये छोटी इलायची 2 डाल दे रही हूँ इसके खुशबू के लिए। इसे खोल गया। नींबू थोड़ा सा 1 चम्मच रस डाल दी इसमें। नींबू डाल देने से अच्छा चाशनी अच्छा हो जाता है। ये 1 तार के चाशनी बनाना है हमें। 1 तार के लगभग हो चुका है, इसे इंडक्शन बंद करके ये उतार ले रहे हैं। और ये आटा अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, एकदम मुलायम सॉफ्ट आटा हो गए हैं। इसे हमें बेल लेना है। लोई बना रही हूँ। लोई बनाने के बाद इसे अच्छे तरीके से मैं बेल लूँगी। कोई रोटी के जैसा बेलना है, रोटी जितना मोटा रहेगा उतना ही मोटा बेलना है रोटी के हिसाब से। ये अच्छे से बराबर बेल लें और इसको इतना थिकनेस है, इसे गिलास से काट ले रही हूँ कि सब एक साइज का होगा। इसे काटने के बाद इसमें जो बनाई हूँ खोआ का मिक्सर, ये स्टफिंग इसमें डालूँगी और चारों तरफ से पानी लगा देना है। पानी चारों तरफ से लगाकर उसे दूसरे ऊपर से डाल देंगे, इस तरह से डाल देना है। इसको अच्छे से दबा देना है ताकि तेल में इसका खुले नहीं, तेल पूरा अंदर चला जाएगा।
इसे अच्छे से थोड़ा डिजाइन इसमें बना देना है। डिजाइन इस तरह से मोड़ना है, बारीक थोड़ा थोड़ा पकड़ के इसको मोड़ते जाना है। इस तरह से आप देख लें अच्छे से, इस तरह से मोड़ लें। ये मुड़ा गया। सेम इसी प्रोसेस में हमें सब बनाना है। फिर इसमें भी पानी में पहले लगा दी, इसके बाद मैं जो स्टफिंग था वो डाला, इसके बाद दूसरा ऊपर से डालकर इसे अच्छे से दबा देना है चारों तरफ से। अच्छे से दबाने के बाद थोड़ा से पतला पतला कर ले कि मोड़ने में अच्छा मुड़ाएगा, पतला चिप चिप दे। इस तरह से मोड़ लें खूबसूरत के लिए। अगर आप नहीं मोड़ सक रहे हैं तो कांटा के चम्मच से भी ऐसे ऐसे दबा सकते हैं। और ये तेल डाल रही हूँ, तेल गर्म होने के बाद इसे मीडियम फ्लेम कर देना है। मीडियम फ्लेम पे ही इसे फ्राई करना है, तो अच्छा से तल लेना है ताकि क्रिस्पी हो और अच्छा से गल जाए। ये समोसा जिस तरह से फ्राई होता है तलाता है, उसी तरह तलाना है, तलना है हमें। ये अच्छे से गोल्डन हो चुका है, इसे मैं निकाल रही हूँ। इसी तरह सभी को हमें फ्राई करना है। इसी प्रोसेस में सभी को इसी तरह फ्राई करके निकाल लेंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही प्यारा है, देखने में ही टेस्टी यमी लग रहा है। आप ज़रूर बना के ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें प्लीज़। इस तरह से बन के रेडी हो जा रहा है। ये चाशनी मेरा बन चुका है, थोड़ा हल्का इसे गर्म कर लें अगर ठंडा हो जाए तो। इसमें डालकर इस तरह से अच्छे से चाशनी में डुबो लें, उसके बाद इसे निकाल लें प्लेट में। और इसे बहुत ही टेस्टी यमी लग रहा है, आप खाएं और बताएं किस तरह से लग रहा है। आप ज़रूर बनाएं इस तरह से बना के और टेस्ट करें इसका स्वाद कितना अच्छा लग रहा है। ये ड्राई फ्रूट से मैं सजा दे रही हूँ, बिल्कुल बाजार जैसे आप घर पे बना सकते हैं, हलवाई के जैसे। आप एक बार ज़रूर बनाएं और इसका स्वाद बहुत ही अच्छा यमी है।